मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि जुलाई 2022 में सिंह राशि वालों का कैसा राशिफल रहेगा, कैसा माह आपका यह व्यतीत होगा। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिख रखा है कि शुक्र और बुध आपका भंडार भरेंगे, वो समय आ गया जिसका इंतजार था, क्योंकि कई राजयोग बन रहे हैं और कई ग्रहों की शुभ स्थिति इस जुलाई के महीने में सिंह राशि वालों के लिए बनी हुई है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य पूरा माह आपका अच्छा बना रहेगा, कहीं पर कोई भी दिक्कत बनी हुई नहीं है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आमदनी यदि देखें तो सोर्स ऑफ इनकम के मालिक बन जाते हैं आपके बुध महाराज, जो कि केंद्र में विराजमान हैं, शुक्र के साथ शुरुआत में लक्ष्मी योग बना करके बैठे हैं और ये 2 जुलाई से लाभ स्थान में चले जाएंगे अपनी ही राशि में। तो बहुत शानदार आमदनी के लिए पूरा जुलाई 2022 आपके लिए रहने वाला है, जितना आप उम्मीद किए हो उससे बढ़ चढ़ के आमदनी आपकी होती रहेगी। लग्नेश जो है आपके सूर्य महाराज, ये भी लाभ भाव में विराजमान हैं, ये 16 तारीख को खर्च स्थान में जाएंगे, तो खर्च तो अवश्य होगा, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन शुक्र महाराज भी लाभ भाव में रहेंगे तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आमदनी का भाव जो है, सोर्स ऑफ इनकम का जो भाव है वह जबरदस्त तरीके से मजबूती बनाए हुए है। इसके अलावा अगर भाग्य देखें तो भाग्य के स्वामी मंगल देव केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके भाग्य स्थान में ही बैठे हुए हैं। मंगल तेजी का, आक्रामकता का कारक होता है और ऐसा मंगल जब अपने ही राशि में बैठ जाए तो भाग्य को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। एनर्जी लेवल इस पूरा माह जुलाई में सिंह राशि वालों की बहुत ज्यादा रहेगी, आपके अंदर अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा, आप अद्भुत ऊर्जा महसूस करोगे। बात अगर करें विद्यार्थियों के लिए कि तो शिक्षा के लिए और उच्च शिक्षा के लिए दोनों के लिए ही समय की चाल जो है अच्छी बनी हुई है, कहीं पर कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। इसके अलावा शनि महाराज ये शुरुआत में तो बना करके बैठे हैं शश नाम का राजयोग, लेकिन 12 तारीख को ये चले जाएंगे मकर राशि में छठे भाव में, और छठे भाव में जब ये जाएंगे तो शत्रुहंता योग बना देंगे, तो ऐसे में शत्रुओं को कुचलने का काम ये शुरू कर देंगे। सावधानी आपको इतनी ही रखनी है कि अनावश्यक कर्ज का आपको लेन देन नहीं करना है। नौकरी करने वालों के लिए बहुत ही शानदार समय है, नौकरी में प्रमोशन होना, उन्नति मिल जाना, ट्रांसफर यदि चाहते हो तो उसके लिए भी योग बने हुए हैं, यानी कि आप कह सकते हो नौकरी, व्यापार, परिवार, घर, सब कुछ आपका शानदार तरीके से पूरा जुलाई चलता रहेगा। समय की चाल बहुत अच्छी है, राजयोग बने हुए हैं जिसका आपको लाभ उठाना चाहिए। कोई नया काम व्यापार की प्लानिंग कर रहे हो तो आप इस समय अमल करें, जुलाई के महीने में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। जो लोग देश विदेश जाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, यात्राएं करिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। प्रेमी जोड़ों की यदि बात करें तो प्रेम के लिए समय की जो चाल है वह सामान्य बनी हुई है, बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो प्रेम के लिए स्थिति सामान्य रहेगी, वैवाहिक जीवन जो है आपका ठीक ठाक चलता रहेगा। ओवरऑल अगर देखें तो प्रत्येक काम में आपको सफलता मिलती इस जुलाई के महीने में दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे में आपको उपाय क्या करना होगा। उपाय के तौर पे आप सूर्य भगवान को नित्य प्रतिदिन अर्घ दें, या आप हनुमान जी की शरण लें, हनुमान जी के किसी भी मंत्र का जप करें या हनुमान चालीसा रेगुलरिटी से पाठ करें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको झेलनी न पड़े। वैसे गोचर बहुत शानदार है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है, शुरुआत में मालव्य नाम का राजयोग बना हुआ है, शश नाम का भी राजयोग बना हुआ है, तो ओवरऑल अगर देखें तो काफी बेनिफिशियल रिजल्ट इस जुलाई के महीने में सिंह राशि वालों को मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।